दोस्तों अभी हम सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यू चैनल टेक्निकल रोहतास और जाने वहाँ से टेक्निकल जानकारी को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया होगा। नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 2018 के एग्ज़ाम में एयरफोर्स सिलेक्शन एयरमैन सिलेक्शन के एग्ज़ाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने ने वही पिछले बार कितने ने अप्लाई किया था, कितने एग्ज़ाम दिए थे और डाटा जो है सिमिलरिटी रहता है और कितने वैकेंसी रहेंगे, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अभी आप चैनल पर आप न्यू विजिटर हो, मतलब अभी तक आपने कभी हमारे चैनल पर आया नहीं था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी ग्रुप एक्स वाई की चलती रहती है और वगैरह वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहती है, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब है, सेप्टेम्बर में। चलिए वो तो बाद में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ जो जरूरी डाटा है वो देख लेते हैं। ये डाटा दोस्तों क्या कह रही है, ये देखो कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है कंडक्टेड हो गया था सक्सेसफुली। एग्ज़ाम जो हुआ था कब हुआ था आपको, 3 से 6 मई के बीच में जो हुआ था 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। टोटल मतलब कितने सेंटर से हमें उतने तो मतलब नहीं है कि सेंटर कितने थे, वो टोटल मिला के 439 सेंटर थे, वो छोड़ो, और ये स्टेट वाइज हमें नहीं पता करना है। ये टोटल वैकेंसी कितनी थी उसे हम बाद में बात करेंगे, और लेकिन टोटल कितने एग्जाम अप्लाई किया था और कितने उन्होंने एग्ज़ाम दिया वो सबसे पहले देखते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट थे 409,169 स्टूडेंट ने क्या किया था, रजिस्ट्रेट किया था, मतलब कहने का मतलब फॉर्म अप्लाई किया था एयरमैन सिलेक्शन के लिए और ग्रुप एक्स वाई के लिए। और इसमें ये अलग करके नहीं दिया कि एक्स के लिए कितने दिए करिए थे और वाई के लिए कितने किए थे और एक्स वाई के लिए कितने दिए थे, ये ऐसा कोई डाटा मेरे पास नहीं है। और दोस्तों ये डाटा आया कब था वो भी मैं बताऊँगा। और इसके बाद दोस्तों आप ये देखो कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, फिर कितने द स्टेटमेंट सेड इतने, ये देखो 3,20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट क्या किए थे, मतलब टोटल मिला के जो थे 78.37% जो थे लोगों ने क्या किया कि रजिस्टर वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, कहने मतलब इसमें जो बाकी जो छट गए तो वो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे, करीबन 80,000 के लगभग स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3,20,000 के लगभग एग्ज़ाम दे रखे थे और शॉर्टलिस्टेड में कितने का आया था वो तो आपको पता चल ही गया होगा पीडीएफ के अनुसार। तो पिछले बार 4,09,000 स्टूडेंट लगभग ने अप्लाई किया था और 3,20,000 स्टूडेंट ने क्या किया था, एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और टोटल सेंटर थे 439। तो दोस्तों ये डाटा कब मिलता है आप बताता हूँ। ये दोस्तों आप नेट पर जाके गूगल पर जाके आप सर्च कर ले सकते हो, वो जो बड़े बड़े वेबसाइट वाले और मीडिया वाले हैं उन्हें ये डाटा मिलता है, और आम लोग इससे सोचेंगे कि हम जल्दी से डाटा को निकाल लें, तो आप वहाँ तक अप्रोच आपकी नहीं है कि आप निकाल सकते हो, और आप मेल करते रहो जब मेल का रिप्लाई नहीं आता है, और फेक रिप्लाई अगर दिखाने वाले यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो और बात करते हैं जो ये जो डाटा है आपको 3 से 6 मई के बीच में होने वाली, और बात करते हैं दो जो 2018 के जो एग्ज़ाम होने वाले सेप्टेम्बर में और जिसका आपने फॉर्म अभी तक जस्ट अप्लाई किया है उसमें कितने अप्लाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह अभी भी बता देता हूँ कि 2,500 लगभग, मतलब 2,000 से 2,500, मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में हमेशा सीट रहती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती है एयरफोर्स एयरमैन की, ठीक है। तो उसके लिए लगभग अभी भी दोस्तों इसी के करीब में लोग अप्लाई करेंगे। अब बोलो कि ये इसी के करीब में क्यों करेंगे, दोस्तों जितनों का एज एक्सपायर हुआ ये मत भूलना कि उतने और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, मतलब पीछे वाले जो बच्चे होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं इस बार, मतलब उनका भी ये जो कहता है 18 क्रॉस कर लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करने लायक हो जाते हैं वो लोग भी। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट जितने कम होते हैं उतने आज अभी जाते हैं ना, ऐसा तो चलते रहता है, तो आपको टारगेट इसी करके रहना होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक ये जो सबसे पहला एग्ज़ाम था जिसमें 4 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए थे और 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट एयरफोर्स एयरमैन के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ये अभी लाइफ में मतलब एयरफोर्स के लाइफ टाइम में भी तो पहला बार ऐसा हुआ था कि इतने स्टूडेंट जो है अपीयर हो गए थे एग्ज़ाम में। पहले तो इतने को कॉल देता ही लेटर आता ही नहीं था सबका, वो बात अलग है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से कि लगभग सबका कॉल लेटर आ चुका था इस बार, है ना। तो इस बार भी जितने अप्लाई किए हैं अपने सही तरीके से फॉर्म अप्लाई किया हुआ तो आपका भी कॉल लेटर आ जाएगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। और बस इस वीडियो में हम ये डाटा देना था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते थे। अगर दोस्तों अभी भी आपके दिमाग में कोई अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा कि अभी इससे रिलेटेड क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा हमारे न्यू चैनल का, वहाँ पर जाके आप नई नई वीडियो देख सकते हो, अभी मैंने स्टार्टिंग किया उसको, टेक्निकल चैनल है वो, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अपने मोबाइल को हैंग होने से कैसे बचाएं, अपने मोबाइल में वायरस है कि नहीं है, वाईफाई के क्रैक कैसे करें वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना अगर आपके काम लायक हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।